हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एच के अकेडमी माई नेम डॉक्टर हेमंत कुमार टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज कोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आज हम भारत में रोक प्रशासन सीरीज का अगला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस सुशासन और ई शासन आज की क्लास में जिन विषयों के ऊपर बात की जाएगी उनमें शामिल है गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया सुशासन अवधारणा और परिभाषा भारत में सुशासन ई गवर्नेंस ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस ई शासन सुशासन का एक अनिवार्य घटक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग अवधारणा और परिभाषा डाइमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस के आयाम मोडल्स ऑफ ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस के मोडल्स सो स्टूडेंट्स डेट्स स्टार्ट्स विद द गुड गवर्नेंस गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड और नोट इम्प्लीमेंटेड स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि गवर्नेंस क्या होता है सो so, शासन या गवर्नेंस निर्णय देने की एक प्रक्रिया है निर्णय देने की एक प्रक्रिया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्णय जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है मीन्स लागू किए जाते हैं और लागू नहीं किए जाते हैं गवर्नेंस ऑलवेज फॉर्मुलेट्स एंड अप्लाइस न्यू पॉलिसीज फॉर पब्लिक वेलफेयर वेयर इनिशियरी द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस वॉज लिमिटेड वेरियस टूडे इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिब्रलाइजेशन दी रोल ऑफ इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज मैड गवर्नेंस एसेबल टुडे द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट रन स्कीम्स आर रीचिंग दिनरल पब्लिक थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन अ टाइमरी एंड ट्रांसपेरेंट मैनर शासन हमेशा जो गवर्नेंस है वह हमेशा पब्लिक वेलफेयर रोक कल्याण के लिए न्यू पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं जहां आरंभ में सरकार और शासन की भूमिका सीमित थी वहीं आज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में भतीस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भूमिका ने शासन को सुलभ बना दिया है आज सहकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आम जनता तक पहुंच रहा है गुड गवर्नेंस रिलेट्स टू पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसिस एंड आउटकम्स डेट आर नेसेसरी टू अचीव ऑफ डेवलपमेंट सुशासन राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित है जो विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है इन द 1992 रिपोर्ट एंड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक सेट आउट इट्स डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इट डिफाइंड गुड गवर्नेंस एज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ आर कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सिस फॉर डेवलपमेंट 1992 में गवर्नेंस और डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन की अपनी परिभाषा निर्धारित की अर्थात स्टूडेंट्स विश्व बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया था विश्व बैंक ने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में जिस तरह से शक्ति का प्रयोग किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गुड गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस व्हेन मार्केट सिविल सोसाइटी लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट ग्रुप्स द मीडिया एक्सेट्रा सुशासन शासन की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब बाजार नागरिक समाज स्थानीय सरकार स्वैच्छिक संगठन सामुदायिक संगठन इर्थ समूह और मीडिया जैसे संस्थान एक साथ आते हैं इन गुड गवर्नेंस वॉइस क्रिएटेड बिटवीन स्टेट, द मार्केट एंड सिविल सोसाइटी वर डिसमेंटेड सो डेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड कुड़ बी एड्रेस्ड इन अ प्रॉपर मैनर सुशासन में राज्य बाजार और नागरिक समाज के बीच बनी दीवारों को तोड़ दिया गया ताकि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं मुद्दों को उचित तरीके से संबोधित किया जा सके या फिर उनका एक उचित तरीके से समाधान किया जा सके गुड गवर्नेंस इज़ अ मोर इंक्लूसिव सिटीजन ओरिएंटेड पीपल फ्रेंडली सेंसिटिव एंड डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट सुशासन एक अधिक समावेशी नागरिक उन्मुख लोगों के अनुकूल संवेदनशील और लोकतांत्रिक अवधारणा है द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज बींग डिसमिनेटेड ग्लोबली एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच इज ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुशासन की अवधारणा का विश्व विश स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिसका एक महत्वपूर्ण घटक ई गवर्नेंस है यानी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक शासन स्टूडेंट्स देर आर एट प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस विच इज डिफाइंड बाई यूनाइटेड नेशंस मीन्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ हैं उन्होंने सुशासन के आठ नियम बताए हैं आज सिद्धांत बताए हैं आप प्रिंसिपल्स बताए हैं उनमें पहला है पार्टिसिपेशन रूल ऑफ लॉ कंसेंसस ओरिएंटेड अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिवनेस सो ये जो प्रिंसिपल्स है ये सभी के सभी गुड गवर्नेंस के ऊपर गुड गवर्नेंस में हमें देखने को मिलते हैं पार्टिसिपेशन मीन्स लोगों की भागीदारी होती है रूल ऑफ लॉ कानून का शासन होता है ये जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये कंसेंसस ओरिएंटेड है मीन्स जो जनता है उसकी ओर ओरिएंटेड है जन उन्मुख है Accountability इसमें होती है उत्तरदायित्व होता है इसमें हमें दक्षता और एक प्रभावकारिता देखने को मिलती है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी देखने को मिलती है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस समता और समावेश कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का ये इक्विटी और समावेशी या फिर समावेश इसको ऊपर डिपेंड करता है इसको ऊपर आधारित है इसमें ट्रांसपेरेंसी है पारदर्शिता है रिस्पॉन्सिवनेस है है जवाबदेहीता है तो अब हम यहाँ पे ये जो आर्थ कॉन्सेप्ट है इनको डिफाइन करेंगे ये जो आर्थ प्रिंसिपल है इनको डिफाइन करेंगे फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन पीपल शुड बी एबल टू वॉइस देअर ओन ओपिनियंस थ्रू रेजिटीमेट मीडियट ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेटिवस पार्टिसिपेशन और सो इम्प्रेस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन भागीदारी लोगों को वेद तत्काल संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिए भागीदारी का तात्पर्य संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है अब स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि भारत में लोगों को फंडामेंटल राइट से अभिव्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और संघ बनाने का अधिकार जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है रूल ऑफ लॉ लीगल फ्रेमवर्क शुड बी एनफोर्स्ड इम्पाशियरी स्पेशली ऑन ह्यूमन राइट्स लॉज विदाउट रूल ऑफ लॉ पॉलिटिक्स विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मत्स्य न्याय दॉ ऑफिस विच मीन्स वे प्रिवेयर ओवर द वीक कानून का शासन कानूनी ढांचे को निश्वस रूप से लागू रा, किया जाना चाहिए विशेषकर मानवाधिकार कानूनों को कानून के शासन के बिना राजनीति मतस्य न्याय के सिद्धांत का पालन करेगी अर्थात मसदी का कानून जिसका आते मजबूत कमजोर पर हावी होगा बेसिकली ये जो मतस्य न्याय है ये कांसेप्ट हमें सबसे पहले कोटिदे के शास्त्र में देखने को मिलता है और मत्स्य न्याय की जो धारणा है वो एक तरीके से जंगली राज की बात कहती है जिसमें हमेशा या फिर हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य न्याय यानी कि जो एक समुद्र के अंदर हमेशा क्या होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है यानी कि जो शक्तिशाली है वह कमज़ोर को दबा देता है और यही स्थिति विद्यमान हो जाएगी यदि कानून का शासन नहीं होगा तो कंसेंसस ओरिएंटेड मीन सहमति उन्मुख कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग एंड श्योर डेट इवन इफ एवरी वन डज नॉट अचीव वट दे वॉन्ट टू अ कॉमन मिनिमम कैन बी अचीव बाय एवरी वन विच वी नोट बी डेट टू एनी वन सहमति उन्मुख निर्णय रहने से यह सुनिश्चित होता है कि बड़े ही हर कोई वह आसर नहीं कर पाता जो वह पूरी तरीके से चाहता है एक सामान्य न्यूनतम आसिल किया जा सकता है जो किसी के लिए हानिकारक नहीं होगा यहाँ पे यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सहमति उन्मुख में यह है कि कोई भी डिसीजन जो सहमति के ऊपर बनाया जाता है जो कोई भी निर्णय जो सहमति पर डिपेंड होता है उस निर्णय के द्वारा किसी न किसी को कुछ ना कुछ हासिल अवश्य होता है उससे किसी की कोई हानि नहीं होती है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस गुड गवर्नेंस ए श्योर एंड इक्विटेबल सोसाइटी पीपल शुड हैव अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव और मेनटेन देअर वेलबिंग समानता और समावेशता इसको हम समता और समावेशता भी कह सकते हैं सुशासन एक समतामूलक समाज का आश्वासन देता है लोगों को अपनी भलाई में सुधार करने या बनाए रखने के अवसर मिलने चाहिए इफेक्टिवनेस एंड एफिसियंसी प्रोसेसिस एंड इंस्टीट्यूशन शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट देट मीट द नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटी देट मीन्स द रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी शुड बी यूज इफेक्टिवली प्रभावशीलता और दक्षता प्रक्रियाओं और संस्थानों को अपने समुदायों की जरूरतों को पूरा करने वाले परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब यह है कि समुदाय के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस एम्स टू द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड दिस कैन नो टेक्प्रेस विदाउट दी गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू जवाब जवाबदेहता सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी और यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह ना हो ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन शुड बी असिबल टू दब्लिक एंड शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड मोनिटर्ड पारदर्शिता सूचना जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए और समझने योग्य और निगरानी की जानी चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस शुद्ध सर्व और होल्डर्स इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम उत्तरदायित्व संस्थानों और प्रक्रियाओं को उचित समय में सभी हितधारकों की सेवा करनी चाहिए नाउ स्टूडेंट्स गुड गवर्नेंस इन इंडिया भारत में सुशासन सो so, हम पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे कि भारत में जो गुड गवर्नेंस है जो सुशासन की धारणा है वो कितनी प्राचीन रही है सो so, गीता प्रोवाइड्स नुमेरियस मेरियस ऑफ फॉर गुड गवर्नेंस रीडरसिप ड्यूटीफुलनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन विच आर री इंटरप्रेटेड इन दॉडर्न कॉन्टेस्ट गीता सुशासन नेतृत्व कविता और आत्मसाक्ष के लिए कई संकेत प्रदान करती है जिनकी आधुनिक संदर्भ में फिर से व्याख्या की जाती है सो so, स्टूडेंट्स भगवत गीता काफ़ी एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसमें हमें सुशासन के जो मेजर कंपोनेंट्स uh, है जो मेजर uh, इसके आस्पेक्ट्स uh, है वो हमें देखने को मिलते हैं कोटेरे ट्राई टू हाई राइट दिस साइन ऑफ गुड गवर्नेंस थ्रू अर्थशास्त्र इन हिज व्यूज दर ऑफ पीपल वॉज कंसाइडेड पैरामाउंट इन द रोल ऑफ द किंग कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से सुशासन संकेतों को उजागर करने का प्रयास किया है अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित एक ग्रंथ है उनके विचारों में राजा की भूमिका में प्रजा का कल्याण सर्वोपरि माना जाता था महात्मा गांधी एम्पेसाइज स्वराज विच इस मीन्स गुड गवर्नेंस महात्मा गांधी ने स्वराज पर जोर दिया जिसका अनिवार्य रूप से सुशासन है आइडियाज लाइक सर्व भवंतु सुकीन वसुदेव कुटुम्बकम एंड मा सदगमास अपियर इन वैदिक लिटरेचर अबाउट गुड गवर्नेंस सुशासन के बारे में वेदिक साहित्य में सर्व भवंतु सुकीन वसुदेव कुटुंबकम और अस्तो मदगमास जैसे विचार दिखाई देते हैं ऑफ़ गुड गवर्नेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में सुशासन की विशेषताएं। ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सेकुलर गवर्नमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम मीन्स धर्म निपेश सहिकार और धार्मिक स्वतंत्रता फ्री एंड फेयर इलेक्शंस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नीति निर्देशक सिद्धांत इंडिपेंडेंट जुडिशियरी स्वतंत्र न्यायपालिका सो so, स्टूडेंट्स ये जो छः फीचर्स है ये सभी के सभी फीचर्स गुड गवर्नेंस के हैं और इन सभी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ई गवर्नेंस E governance is the use of information and communication technology in government operations and functions to transform government into smart governments. The advent of information and communication technology has provided its users with faster and better means of communication. E governance. सरकार को स्मार्ट गवर्नेंस में बदलने के लिए सरकारी कार्यों और कार्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आगमन ने अपने उपयोगकर्ताओं को संचार के तेज और बेहतर साधन प्रदान किए हैं गवर्नमेंट फंक्शंस एंड प्रोसेसेस हैव बीन रीबीट थ्रू ई गवर्नेंस एंड द कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस एज मेट गवर्नमेंट मोर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्सिस ई गवर्नेंस के माध्यम से सहकारी कार्यों और प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण किया गया है और सहकारी कार्यों के कंप्यूटरीकरण ने सरकार को सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिक सक्षम बना दिया है ई गवर्नेंस रिवलुशनलाइजिस दूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस एट दी ऑफ़ पीपल एंड गवर्नमेंट इंटरेक्शन विद बिजनेस ई गवर्नेंस लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने और व्यवसायों के साथ सरकार साथ की बातचीत के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के, के उपयोग में क्रांति आती है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस आर टू सिंप्लीफाई दर्विस डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइडेड टू दिटीजन सिंप्लीफाईड दी प्रोसेसिस ऑफ गवर्नमेंट मेक गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस इन ट गुड गवर्नेंस ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन गवर्नेंस एंड एस्टेब्लिश दिटिजन एट सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा वितरण प्रणाली को सरेह बनाना सहकारी की प्रक्रियाओं को सरेह बनाना शासन को सहभागी बनाना शासन को सुशासन में बदलना शासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व और जवाबदेहता लाना और नागरिक को सहकार के केंद्र में स्थापित करना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैन डब्ल्यू ए एन दी इंटरनेट मोबाइल डिवाइसिस एंड कंप्यूटर्स इ गवर्नेंस बाई गवर्नमेंट एजेंसी विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस सरकारी एजेंसियों द्वारा शासन में सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट मोबाइल उपकरणों और कंप्यूटर के उपयोग को संदर्भित करता है ई गवर्नेंस कैन एक्म्पलिस वेरियस गोल्स नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली ई गवर्नेंस के गोल्स की बात की गई है जैसे बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजंस नागरिक को सहकारी सेवाओं का बेहतर वितरण मिलता है ई गवर्नेंस के द्वारा इंटरेक्शन विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री ई गवर्नेंस के माध्यम से व्यापार और उद्योग के साथ सहभागिता होती है एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू एसेस इंफॉर्मेशन सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों को, को सशक्त बनाना मोर एफिशियंट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अधिस कुशल सहकारी सूचना प्रबंधन इस्टेब्लिश करना नाउ स्टूडेंट्स दे आर डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस ई शासन के चार आयामों का वर्णन किया गया है पहला है जी टू जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट शासन टू शासन जी टू सी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड जी टू सी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयी अब इनको हम डिस्क्राइब करेंगे जी टू जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरकार से सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज टू एचेंज इंफॉर्मेशन डाटा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस एंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज दिटी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एट टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जी टू जी सही सही सहकार सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सहकारी संगठनों के बीच सूचना डेटा सार्वजनिक दस्तावेज रिपोर्ट आदेश निर्देश इत्यादि के आदान प्रदान के लिए किया जाता है इसका मूल उद्देश्य सरकार की क्षमता प्रदर्शन और उत्पादकता में वृद्धि करना परियोजनाओं को कम समय और ऊर्जा लागत पर कुशलतापूर्वक निष्पादित करना और आंतरिक प्रशासन को मजबूत करना है जी टू सी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर देयर इज द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द दिटीजन्स सो दैट दिटीजन्स कैन रिसीव कंपिटेंट सर्विस इन पब्लिक सर्विसेज जी टू सी एस्पेंस दी अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज़, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क होता है ताकि नागरिक सार्वजनिक सेवाओं में सत्सम सेवा प्राप्त कर सके जी टू सी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच का विस्तार करता है जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस द गवर्नमेंट इंटीग्रेट इट्स एक्टिविटीज़ विद डोज ऑफ द बिजनेस वर्थ सच इज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड एक्स्ट्रैक्टिंग ऑनलाइन टेंडर्स सरकार से व्यवसाय सहकार अपनी गतिविधियों को व्यापार की दुनिया के साथ एकीकृत करती है जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन निविदाएँ निकालना गवर्नमेंट टू एम्प्लॉ जी टू ई इन दिस The government interact with the employees on a regular basis, just like the largest employer and any other organization, which is a two-way process. By using G2E, the government can ensure the level of satisfaction among employees, their performance, skill development, and their effective role in governance. स्टूडेंट्स यहाँ पे बाईमिस्टेस जी टू सी लिखा हुआ है लेकिन यह जी टू e है जिसका मतलब है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई इसमें सरकार सबसे बड़े नियोक्ता और किसी भी अन्य संगठन की तरह अपने कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है जो कि दो तरफा प्रक्रिया है जी टू ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का उपयोग करके सरकार कर्मचारियों के बीच संतुष्टि का स्तर उनके प्रदर्शन कौशल विकास और शासन में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित कर सकती है मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस ब्रॉडकास्टिंग मॉडल क्रिटिकल फ्लो मॉडल कंपेटिव एनालिसिस मॉडल ई एडवोकेसी मॉडल इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल सो so, स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली फाइव टाइप्स के मॉडल्स की बात की गई है ई गवर्नेंस के ब्रॉडकास्ट मॉडल इज रिलेटेड टू द प्रमोशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नेंस बेस्ड ऑन डिसमिनेशन विच ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टू अ मच वाइडर पब्लिक डोमेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड करेक्ट

बहुत व्यापक सार्वजनिक डोमेन तक पहुंचाता है इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सही और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है ताकि नागरिक शासन के नियमों और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सके और उनके बारे में अपनी राय बना सकें क्रिटिकल फ्लो मॉडल इज बेस्ड ऑन द टारगेटेड वन दिस मॉडल ब्रिजिस डिस्टेंस यूजिंग ICT एंड एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूटिलिटी ग्रुप्स एट द राइट टाइम थ्रू इजी एंड एसेसिबल मीन्स क्रिटिकल फ्रॉम मॉडल रसिद मॉडल पर आधारित है यह मॉडल आई सी टी का उपयोग कई के दूरी को पाठता है मीन्स जो दूरी होती है उनको ये कम करता है इसका उद्देश्य उपयोगिता समूहों को आसान और सुलभ साधनों के माध्यम से सही समय पर जानकारी प्रदान करना है कंपेरेटिव एनालिसिस मॉडल इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड इज़ यूज फॉर दम्पावरमेंट ऑफ द पीपल तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग लोगों के सशक्तिकरण के लिए किया जाता है ई एडवोकेसी मॉडल बीच द मोमेंटम ऑफ रियर वर्ड इंटरेस्टन बाई कनेक्टिंग द ओपीनियंस एंड प्रॉब्लम्स पोस्ड बाई द एडवोकेसी कम्युनिटीज पॉलिसियंस एप्स इम्पैक्ट डाइवर्सिटी ई एडवोकेसी मॉडल हिमायत करने वाले समुदायों द्वारा पेश की गई राय और समस्याओं को जोड़कर वास्तविक दुनिया के संपर्क की गति बनाता है नीतिगत कार्रवाई विविधता को प्रभावित करने में मदद करती है इंटरेक्टिव सर्विस मोडल ओपन्स वे फॉर डायरेक्ट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड मैक्स पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोर रियलिस्टिक एंड ट्रांसपेरेंट थ्रू आईसीटी इंटरैक्टिव सर्विस मोडल इंटरैक्टिव सर्विस मोडल शासन में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत भागीदारी का रास्ता खोता है और आईसीटी के माध्यम से सार्वजनिक निर्णय देने की प्रक्रिया को अधिक यातायातवादी और पारदर्शी बनाता है सो so स्टूडेंट्स आज का रिश्ता यहीं पर समाप्त होता है आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल एच के अकेडमी को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू सो मच